हेलो एवरीवन, मैं मामपी आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही नई रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है बनाना फ्लावर। ऐसे तो इसके कई सारे रेसिपीज़ हैं, सब्जी है, बहुत रेसिपीज़ बनते हैं, तो आज का जो रेसिपी है ये भी कुछ यूनिक है, कुछ नया है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बनाना फ्लावर को इस तरह से रोस्ट करना है, इसे हमें जलाना है। अगर आपके घर में चूल्हा है तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप चूल्हा के अंदर इसे रख दे, ये खुद ब खुद बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगी। अगर नहीं है तो आप इस तरह से गैस में भी काम कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। तो इसे करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो केले का जो फूल है ये अच्छी तरह से पक चुका है। ये ऊपर का जो लेयर है थोड़ा जल गया है, वो तो जलेगा ही, लेकिन अंदर में ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अभी चलिए हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए मुझसे मतलब अच्छी तरह से साफ़ भी नहीं हो पा रही है। तो अगर ठंडा हो जाए तभी आप इसे साफ़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसे ना अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से अलग अलग लैंग्वेज में बताया जाता है। जैसे बंगाली में कोलार फूल, कोलार मुचा, एसामिस में कॉल डील, और हम तो ऐसे बनाना फ्लावर, और भी कई नाम होंगे जो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से मतलब उसके नाम अलग है लेकिन रेसिपीज़ जो है वो तो सेम टू सेम ही है, सब ट्राई कर सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी हमारे घर में तो बनती है, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से अंदर तक पूरा पक चुकी है, इससे मतलब धुआं निकल रहा है अभी। तो चलिए अभी इसे हम क्या करते हैं, टुकड़ों में काट लेते हैं क्योंकि हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अगर आप चाहे तो आप इसे सिलपट्टे में भी पीस सकते हैं या तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये देखिए, ये जो हार्ड है ना, जो थोड़ा गर्म है इसीलिए काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो हार्ड पार्ट है ना इसे हम निकाल देंगे, सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट वाला इसे चटनी की तरह मतलब पेस्ट करना है ना तो अच्छा होगा। तो ये देखिए ये निकल गया है। अभी जो है हम 2-3 मिर्च को भी इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन के कलियाँ, 1 टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्च भी ऐड कर दिया है। तो इन सबको मिला लेंगे। इसमें अभी थोड़ा अपने टेस्ट के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, अभी जो क्या है, मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। कढ़ाई में ये जो ब्लैक क्यूमिन, काला जीरा है, इसे थोड़ा ऐड कर दूंगी, और जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था इसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल है और लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिक, टेस्टी और बहुत हेल्दी भी है। ये थोड़ा काली पड़ जाती है क्योंकि कॉल डिल यानी जो बनाना फ्लावर है इसमें भरपूर मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है। तो इसीलिए ये थोड़ी देर अगर आप रख देना तो ये थोड़ा काली पड़ जाती है। तो इसे जो है ना हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसका जो टेस्ट है ना ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो बनाना फ्लावर है इसके कई सारे रेसिपीज़ है लेकिन इनमें से ये जो रेसिपी है मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है थोड़ा अलग है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।